देखो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ठीक है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज एट पॉइंट वन ये कह रहे हैं दैट ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है ठीक है जिसमें देखो ए बी इज पैरल टू सी डी ए बी सी डी के पैरल है ठीक है तो हमने क्या करा ऐसे प्रोड्यूस करा है बी को ई तक लेके गए है दैट ए डी इज पैरल टू सी ई ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से है ठीक है ये गिवन है कि ऐसा है कि ए डी इज पैरल टू सी दूसरी बात क्या है दैट इज पैरल टू सी डी ये भी तुम्हारे पास गिवन है ठीक है तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट ए ई सी डी इज अ पैरेलोग्राम ठीक है तो हमने यहां से कह दिया दैट ए सी ई डी इज अ पैरलेलोग्राम ठीक है क्लियर है तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा फिर ए डी इक्वल टू सी ई ठीक है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है ना ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है पहले की और हमको पता है दैट ए डी इज ईक्वल टू बी सी यहाँ पर पता है कि ये गिवन है दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट सी ई इज इक्वल टू बी सी सी ई बी सी के इक्वल है ठीक है क्लियर है अब देखो बच्चों अगर हम देखें इन ट्रा सी बी ई e. इस ट्राइंगल में सी बी ई में हमें पता है दैट सी बी इक्वल टू सी ई दो साइड अगर इक्वल होती हैं दैट मीन्स द एंगल्स आर इक्वल है ना तो एंगल्स ऑपोजिट टू देम आर इक्वल तो हम कह सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ऑपोजिट साइड ठीक है तो थ्री एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा क्लियर है आगे समझ में अब अगला देखो तुम हमें पता है दैट अब देखो ये दोनों पैरल लाइन है ए डी इज पैरल टू सी ई ए डी सी ई के पैरल है ठीक है और ए ट्रांसवर्सल रही है है ना तो यहां से एंगल वन प्लस एंगल फोर क्या हो गए देखो ये दोनों ऐसे करके हो गए एंगल वन इधर है एंगल फोर इधर है है कि नहीं तो एंगल वन एंगल फोर क्या होगा को इंटीरियर एंगल होगा तो दोनों का सम कितना हो जाएगा वन एट्टी हो जाएगा दे आर को इंटीरियर एंगल्स ठीक है क्लियर है अगली बात देखो बच्चों इसको तुम मान लो इक्वेशन वन इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन ठीक है बच्चों हमको पता है दैट एंगल टू प्लस एंगल थ्री क्या है वन एट्टी डिग्री है क्यों क्योंकि दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर लीनियर पेयर बना रहे तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री वन एटी डिग्री है इसको तुम मान लो इक्वेशन टू तो फ्रॉम वन एंड टू हम वन एंड टू से क्या कह सकते हैं दैट एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री कह सकते हैं ये ठीक है यहां से हम क्या कर सकते हैं बच्चों हमारे पास मिला था दैट एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर तो मैं दोनों को कैंसिल आउट कर दूं एंगल थ्री और फोर को कैंसिल कर सकते हैं तो दिस एम्प्लाइज दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इसका मतलब क्या हुआ एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी ये हमें पहले पार्ट में प्रूफ करना था ठीक है यहाँ तक हो गया फर्स्ट पार्ट अब आ जाओ तुम इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे यू हैव टू प्रूव दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ये आपको प्रूव करना है ठीक है सही मतलब एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स आपको प्रूव करना है दिस इज पॉइंट डी ठीक है ना तो देखो हम यहाँ कह सकते हैं अब देखो ए बी इज पैरल टू सी डी ए बी सी डी के पैरल है और ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल जा रही है है ना तो यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट एंगल वन प्लस एंगल फाइव कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्रीज हो जाएगा होगा ना को इंटीरियर एंगल्स अगेन को इंटीरियर एंगल्स ठीक है दूसरी बात हमको क्या पता है दैट एंगल टू प्लस एंगल सिक्स अगेन को इंटीरियर एंगल्स बना रहे तो वो भी जो है वन एट्टी डिग्री के इक्वल होगा इनका सम भी ठीक है तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एंगल वन प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल सिक्स ठीक है ऊपर हम अभी करके ही आए हैं दैट एंगल वन इज इक्वल टू टू है, है ना तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से विल गैट दैट एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स दिस इम्प्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ये तुम्हारे पास इसका सेकेंड पार्ट भी आ गया ठीक है आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर यहां पर आपको प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल ए बी सिक्स पॉइंट ये ही रब हो रहा है बार बार ये वाला जो ट्रायंगल है ये ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है, है ना ए बी सी इज टू ट्राइंगल बी ए बी सी इज टू ट्राइंगल बी ए डी इसके के ठीक तो यहां पे देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी क्या क्या है आपके पास देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी ये तो कॉमन है ठीक अगली बात क्या है हमारे पास ए डी इक्वल टू बी सी ये तुम्हारे पास गिवन है ठीक है बच्चों तीसरी बात क्या है हमको पता है दट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल टू ये हमने जो है प्रूव करा है ऊपर है ना प्रूवड अब ठीक तो यहाँ से वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रू ट्राइंगल बी ए डी ठीक है बाय कौन सा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड ठीक है क्लियर है अब देखो बच्चों ये दोनों कांग्रेन आ गए फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है द डायगनल ए सी इज कॉन्ग इक्वल टू बी डी वो कैसे हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी डी बताओ बाय सी पी सी टी क्योंकि जब ट्राइंगल सी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो इनकी जो साइज है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी ठीक है हेयर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ट्वेर अलॉन्ग विद दिस एक्सरसाइज वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सोल्यूशंस